नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने दाढ़ी बना ली है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही सस्ता पट्टे का सौदा। मतलब पुराने ट्रैक्टर के भाव में आपको नया ट्रैक्टर बिल्कुल ही जबरदस्त कंडीशन में मिलने वाला है दोस्तों। और आज से पहले आपने ऐसा सौदा कभी नहीं देखा होगा। बहुत ही शानदार ट्रैक्टर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं। अगर बात की जाए मॉडल की, तो मॉडल नंबर है 2012। तो प्राइस तो मैं आपको ट्रैक्टर दिखाने के बाद में ही बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको लेकर आ गया हूं ट्रैक्टर के पास में। और यहीं आप ट्रैक्टर की कंडीशन तो आप देख ही रहे हो, साथ में आपको यहीं पे मैसी की बेजिंग देखने को मिल जाती है, जो कि एकदम शोरूम कंडीशन में दिखाई दे रही है। और यहाँ पर FSC प्लेट देख लीजिए आप दोस्तों। अगर ये सौदा आपके हो गया ना, तो मज़ा आ जाएगा, मैं कह रहा हूँ। अब देख लीजिए आप, यहीं पे एयर फिल्टर देख लीजिए, और यहीं आप देख सकते हैं सेलअप भी अच्छी कंडीशन में, और फ्यूल पंप भी अच्छा है। और ये माँ शक्ति की आपको बेजिंग देखने को मिल जाती है। और बात की जाए टायरों की, तो टायर आपको लगभग 90% से भी अधिक आपको टायर मिलने वाले हैं दोस्तों। और पीछे वाले टायर देख लीजिए, पीछे वाले भी अच्छे हैं। और साथ में आपको यहीं पे ये मटर गार्ड मिलते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी लकड़ी के बनवाए हुए हैं। और टायरों में जो एक्स्ट्रा वेट आता है, वो भी लगा हुआ है। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी ट्रैक्टर की, कि यहीं पे आपको दोनों हुक मिलते हैं, जो कि हिच में सबसे अच्छी बात यही है कि इन जो ये एक्सटर्नल हुक लगवाए हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के लोहे के बनवाए हुए हैं, जो आप छोटी ट्रॉली भी जोड़ सकते हैं और बड़ी भी जोड़ सकते हैं, और बहुत ही आपको सुविधाजनक रहेगा। ये देख लीजिए आप, पीछे से अच्छे तरीके से देख लीजिए ट्रैक्टर को। अब चलते हैं, आपको आगे दिखाते हैं। ये आपको डीजल फिल्टर देखने को मिल ही जाएंगे, जो कि यूज़ एंड थ्रो वाले हैं। और देखिए यहाँ पर रोटर पंप मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको तेल की बचत करवाएगा, आपका डीजल की बचत करवाएगा ये रोटर पंप की। इस ट्रैक्टर की यही खासियत है। और अब मैं आपको मीटर दिखा देता हूँ इस ट्रैक्टर के। ये देखो, मैं दिखाता हूँ आपको, ये मीटर देख लीजिए आप, जो कि मीटरों की कंडीशन बिल्कुल अच्छी है, बिल्कुल पूरे चालू मिलेंगे आपको मीटर दोस्तों। ट्रैक्टर बहुत ही कम चला हुआ है, आप मीटर में देख सकते हो कि पूरे 460 घंटे ही चला हुआ है। अब दोस्तों आप पूछोगे कि बहुत ही 2012 मॉडल है और 460 घंटे ही क्यों चला हुआ, तो उसका भी रीजन है, क्योंकि किसान भाई ने इसे बहुत किसान भाई के पास में ज़मीन बहुत ही कम है, और इन्होंने तो बस शौक से इस ट्रैक्टर को ख़रीदा था। ये सेकंड ओनर हैं, बस शौक से ही इन्होंने ट्रैक्टर ख़रीदा था और चला लिया, बस इनकी शौक हो गई ख़त्म। अब ये कह रहे हैं कि ये अब इसे बेचना चाहते हैं, और अब पानी भी नहीं रहा, इसलिए बेचना चाहते हैं इस ट्रैक्टर को। और यहीं पे आपको और ट्रैक्टर डबल क्लच में आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मालिक के नंबर दे दूंगा आपको, आप वहां से मालिक से कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही मैं मेरे भी नंबर डाल दूंगा, आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। और दोस्तों, लास्ट में एक ही बात आपको कहना चाहूँगा कि ट्रैक्टर बिल्कुल जेन्युइन है। आप बिना सोचे समझे ट्रैक्टर मालिक से बात करें और ट्रैक्टर को खरीदें। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत।